नूरजहां जूता बूट के प्रभाव, नूरजहां जूता बूट के प्रभाव। छात्रों दो प्रभाव पड़े इसके। पहला प्रभाव था इसके सद प्रभाव या अच्छे प्रभाव, सद प्रभाव या अच्छे प्रभाव। छात्रों नूरजहां जूता जो गुट है, नूरजहां जूता गुट में नूरजहां, उसका पिता गियास बेग, भाई आसफ खां, माता असमत बेगम तथा शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। अब जो इसके प्रभाव पड़े जहांगीर से विवाह होने के बाद में, जो ये नूरजहां जूता गुट है ये सक्रिय हुआ और इसके 1611 ईस्वी में ये जो गुट है ये सक्रिय हो जाता है और इसके मुगल राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सद प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम इसका सद प्रभाव जो पड़ता है छात्रों, वो पड़ता है नूरजहां का प्रशासन। नूरजहां का प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेना, नूरजहां का प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेना। दूसरा इसका जो प्रभाव पड़ा छात्रों, जहांगीर का शराब और अफीम की आदत का कम होना, जहांगीर की शराब व अफीम की आदत का कम होना। तीसरा इसका प्रभाव पड़ा छात्रों, जहांगीर के क्रोध को कम करना। जहांगीर के क्रोध को कम करना। अपने पिता जो नूरजहां का पिता है, पिता वे भाई को, अपने पिता वे भाई रिश्तेदारों को उच्च पद दिलवाना। जहांगीर के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना, जहांगीर के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना। जहांगीर द्वारा कलाकारों को साहित्यकारों को संरक्षण देना, छात्रों जो ये नूरजहां है, नूरजहां का जब 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह हो जाता है और नूरजहां जूता गुट स्थापित हो जाता है, उसके बाद में छात्रों क्या होता है कि इसके सद प्रभाव पड़ते हैं, मतलब अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। अर्थात इसके अच्छे में बुरे दो प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम अच्छे प्रभावों का के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभाव पहला क्या पड़ता है छात्रों, पहला प्रभाव इस पर पड़ रहा है नूरजहां का प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेना। अर्थात जहांगीर अफीम का शौकीन है तथा जहांगीर का स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रहने लग गया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया नूरजहां ने, प्रशासन की जो बागडोर थी बागडोर अपने हाथों में ले ली तथा जहांगीर का जो प्रशासनिक कार्यों में उसका सहयोग करने लगी तथा जटिल से जटिल जो समस्याएं थी प्रशासन में उनका निवारण करने लगी। कौन करने लगी? नूरजहां। तो इस प्रकार से जो नूरजहां थी, नूर
जहाँ का प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेना और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना और जहांगीर को प्रशासन में सहयोग देना। इसके कारण जो जहांगीर की जो कठिनतम जो समस्याएं जटिल समस्याएं आती थी उनका निवारण कर देती थी और जहांगीर भी आसानी से जो प्रशासन की बागडोर संभालने लगा। अगला जो प्रभाव पड़ा छात्रों, जो अच्छा प्रभाव पड़ा वो था जहांगीर की शराब व अफीम की आदत को कम करना। छात्रों, जहांगीर प्रारंभ से ही अफीम खाने व शराब पीने का शौकीन था और ये अत्यधिक शराब पीने के कारण तथा अत्यधिक जो अफीम खाने के कारण जहांगीर के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में छात्रों जो ये नूरजहां ने क्या किया, उसकी शराब की आदत में अफीम की आदत को कम करने का प्रयास किया और उससे जहांगीर के स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ। अगला जो उसका जो अच्छा प्रभाव था छात्रों को क्या था, जहांगीर के क्रोध को कम करना। अर्थात जहांगीर क्रोध अत्यधिक करता था और क्रोध के अंदर जो राजकार्य में प्रशासन में गलत निर्णय भी हो जाते थे। ऐसी स्थिति में नूरजहां ने देखा कि जहांगीर के क्रोध को कम करना चाहिए और जहांगीर के क्रोध को कम करने का नूरजहां ने क्या किया, प्रयास प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अपने पिता व भाई रिश्तेदारों को उच्च पद दिलाना, छात्रों ये नूरजहां की इसने क्या किया, अपने पिता को एतमादोला की उपाधि प्रदान करवाई। एतमादोला की उपाधि जहांगीर द्वारा अपने ससुर अर्थात जो नूरजहां का पिता था गियास बेग, नूरजहां का पिता कौन था छात्रों, गियास बेग को एतमादोला की उपाधि दी। पिता किसका था, ये पिता है नूरजहां का। नूरजहां ने अपने पिता को एतमादोला की उपाधि दिलवाई तथा अपने भाई को जो बड़े बड़े मनसब प्रदान करवाए और अपने निकटतम जो रिश्तेदार थे उन रिश्तेदारों को नूरजहां द्वारा क्या किया गया, नूरजहां द्वारा उन्हें जागीर प्रदान की गई प्रदान करवाई गई तथा उन्हें सूबेदार के पद भी प्रदान करवाए गए। तो इस प्रकार से जो मुगल राजनीति में उसने अपने जो रिश्तेदार तथा भाइयों को लाना प्रारंभ कर दिया। छात्रों, ये जो एतमादोला था अकबर के समय में ये भारतवर्ष में आया था, तो इसे अच्छा पद प्रदान किया गया था। ये जहांगीर के समय में भी महत्वपूर्ण पद पे था परंतु जो नूरजहां थी नूरजहां ने इसे और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण पद प्रदान करवाया। इसके अलावा छात्रों जो इसका एक परिणाम ये भी निकलता है कि जहांगीर के नीति के चरित्र को ऊंचा उठाना और जहांगीर द्वारा कलाकारों साहित्यकारों को संरक्षण देना। छात्रों, जहांगीर का जो नैतिक चरित्र था नैतिक चरित्र को भी इसने ऊंचा उठाने का प्रयास किया तथा जहांगीर इसके प्रभाव में आकर जहांगीर ने क्या किया कि कलाकारों को साहित्यकारों को संरक्षण देना प्रारंभ किया। जहांगीर ने अपने दरबार में जो हिंदू धर्म के कलाकारों साहित्यकारों मुस्लिम धर्म के कलाकारों साहित्यकारों तथा चित्रकारों को संरक्षण देना प्रारंभ किया। नूरजहां का ही ये परिणाम था, नूरजहां के प्रभाव के कारण ही जो जहांगीर था जहांगीर ने क्या किया चित्रकला को प्रोत्साहन दिया तथा जहांगीर का जो काल था छात्रों जहांगीर का काल भारतीय इतिहास में चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। छात्रों, इस प्रकार से नूरजहां का प्रभाव का प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेना, जहांगीर की शराब व अफीम की आदत को कम करना, जहांगीर के क्रोध को कम करना, अपने पिता व भाई रिश्तेदारों को उच्च पद दिलाना, जहांगीर के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना, जहांगीर द्वारा कलाकारों साहित्यकारों को संरक्षण देना, तो ये सभी जो कार्य हुए ये सभी अच्छे कार्य किसके कारण हुए, नूरजहां के प्रभाव के कारण हुए। और इसके अलावा जो अन्य सदकार्य अच्छे और भी कुछ कार्य थे सदकार्य वो थे इसके अर्थात जो नूरजहां के जो अन्य सदकार्य हैं वो नूरजहां जनता गुट द्वारा जो किए गए हैं अर्थात जो नूरजहां द्वारा किए गए वो इस प्रकार से छात्रों, नूरजहां सुशिक्षित व संगीत में पारंगत महिला थी। नूरजहां का सुशिक्षित व संगीत में पारंगत होना जहांगीर का ध्यान चित्रकला की तरफ आकर्षित करना
जहांगीर का ध्यान चित्रकला की तरफ आकर्षित करना, प्रशासन की समस्याओं से मुक्ति, प्रशासन की समस्याओं से मुक्ति, आभूषण वेशभूषा, वस्त्र आभूषण वेशभूषा, आभूषण वेशभूषा में नए प्रयोग करना, नए प्रयोग करना, लाडली बेगम का विवाह, लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से करवाना, लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से करवाना, दान पिए दयालु परोपकारी महिला, छात्रों इस प्रकार से जो नूरजहां थी, नूरजहां के अपन ने अभी हम सभी ने ये गुट के अच्छे प्रभाव देखे। अब उन अच्छे प्रभाव में कुछ अच्छे प्रभाव इस प्रकार से थे, नूरजहां का सुशिक्षित हुए संगीत में पारंगत होना। नूरजहां एक सुशिक्षित महिला थी तथा संगीत में अत्यंत ही पारंगत थी, जिसके कारण संगीत के प्रति भी जहांगीर की रुचि जागृत हुई तथा उसने संगीतकारों को अपने दरबार में भी संरक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त छात्रों जहांगीर का ध्यान चित्रकला की तरफ आकर्षित करना, प्रारंभ में बता चुका हूं मैं आपको कि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो छात्रों तो जहांगीर का जो ध्यान था चित्रकला की तरफ आकर्षित करने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई, वो भूमिका किसने निभाई छात्रों, वो भूमिका निभाई नूरजहां ने निभाई। नूरजहां के प्रभाव के कारण ही जहांगीर ने चित्रकारों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया तथा जहांगीर के समय चित्रकला का मध्यकालीन भारत में चित्रकला इतनी फली फूली कि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। अर्थात मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो चित्रकला का स्वर्ण काल है वो जहांगीर का काल है। ये सभी किसके प्रभाव से हुआ, ये नूरजहां जुनता के प्रभाव से हुआ। प्रशासन की समस्याओं से मुक्ति, प्रशासन की जो जटिल समस्याएं थी अर्थात जहांगीर को प्रशासन की जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम किसने किया, नूरजहां जुनता ने किया। नूरजहां जुनता थी, नूरजहां जुनता द्वारा क्या हुआ कि जब 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह हो गया तब से लेकर 1627 ईस्वी तक जब उसकी मृत्यु होती है जहांगीर की, जब तक वो प्रशासन में उसकी प्रशासन की बागडोर संभालती है तथा जटिल से जटिल समस्याओं को वो हल कर देती है, जिसके कारण जहांगीर को प्रशासन चलाने में सुविधा हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों वस्त्र आभूषण वेशभूषा में नए प्रयोग करना, नूरजहां ने नए नए वस्त्रों की डिजाइन का निर्माण किया, नए नए आभूषणों की डिजाइन का निर्माण किया उसने तथा उसकी जो माता है नूरजहां की माता कौन है छात्रों, असमत बेगम। नूरजहां की माता का नाम क्या है छात्रों, असमत बेगम। असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का, कौन सी विधि, इत्र बनाने की विधि का क्या किया उसने आविष्कार किया, किसने किया, असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। नूरजहां के समय ही नूरजहां जुनता गुट में यह भी सम्मिलित थी और नूरजहां थी, नूरजहां ने वस्त्र आभूषण तथा वेशभूषाओं की नवीनतम जो विधि, नवीनतम जो डिजाइन थी उसको तैयार किया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो ये अपनी जो पुत्री, किसकी पुत्री है, लाडली बेगम का विवाह, लाडली बेगम किसकी पुत्री है, नूरजहां की पुत्री है, लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से करवाना। छात्रों कहीं कहीं ये भी आता है कि जो लाडली बेगम है ये अली कुली बेग तथा एक अन्य जो दासी थी उसकी ये पुत्री थी और नूरजहां ने इसका पालन पोषण किया, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है।
पर यहाँ जो ये लाडली बेगम है, लाडली बेगम का जो पालन पोषण कर रही है वो कौन कर रही है, नूरजहां कर रही है, तथा ये लाडली बेगम की यहाँ पर पुत्री अपन इसको देखेंगे पुत्री के तौर पे। तो नूरजहां जुनता है, नूरजहां जुनता अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह किससे कर देती है, शहजादा शहरयार से कर देती है। कारण क्या है, कारण यहाँ पर ये हो गया छात्रों की अब क्या हो रहा है कि अब जो खुर्रम है, खुर्रम किसका, खुर्रम ने आसफ खान की पुत्री, आसफ खान की पुत्री किसे, अर्जुनमंद बानो बेगम जो मुमताज महल के नाम से आगे प्रसिद्ध होगी, अर्जुनमंद बानो बेगम से इसने विवाह किया है। आसफ खान की पुत्री अर्जुनमंद बानो बेगम से विवाह किया है, और इस विवाह को करवाने वाला कौन है, इस विवाह को करवाने वाला भी नूरजहां है। परंतु कालांतर में नूरजहां को ऐसा लगता है कि खुर्रम है, खुर्रम जो विद्रोह कर रहा है, अर्थात खुर्रम जो नूरजहां की बातों में, अर्थात उस गुट से बाहर निकलना चाहता है, अर्थात उस गुट में अब नहीं रहना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में उसने देखा कि खुर्रम मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, तो उसने क्या किया, शाहजहां के एक अन्य पुत्र थे शहरयार से उसने क्या किया, लाडली बेगम का विवाह करवा दिया। और ये जो लाडली बेगम का विवाह हो गया, तो अब नूरजहां क्या चाह रही है कि खुर्रम को जो बादशाह न बनाकर शहर जो शहजादा शहरयार है इसे बादशाह बनाया जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, शहजादा शहरयार से करवा दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो नूरजहां का सुशिक्षित हुए संगीत में पारंगत होना, नूर जहांगीर का ध्यान चित्रकला की तरफ आकर्षित करना, प्रशासन की समस्याओं से मुक्ति दिलाना, वस्त्र आभूषण वेशभूषाओं में नए प्रयोग करना, लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से करवाना। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये नूरजहां जुनता गुट है, नूरजहां जुनता गुट के भारतीय इतिहास में तथा जो जहांगीर के जीवन में तथा मुगल प्रशासन पे अच्छे प्रभाव पड़े। छात्रों नूरजहां थी, नूरजहां एक सुशिक्षित महिला थी, सुसंस्कृत महिला थी, इसे कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, तथा ये दान प्रिय महिला थी, दयालु महिला थी, परोपकारी महिला थी। ये जहांगीर के साथ में ये तुला दान करने लगी, जड़ों का दर्शन देने लगी, तथा जहांगीर की जो जब इसका जहांगीर जीवित था तो उस समय क्या हुआ कि इसका जो ये प्रभाव पड़ रहा था कि जहांगीर के जो फरमान जारी होते थे, जहांगीर के जो आदेश जारी हुए, उन आदेशों पर भी नीचे जहांगीर के साथ में उसके नीचे की तरफ जो नूरजहां की जो मोहर लगती थी उस पर, जहांगीर की अर्थात जहांगीर की मोहर के साथ साथ नूरजहां की मोहर भी लगने लगी, अर्थात प्रशासन में इसने मजबूती से पकड़ बना ली तथा जहांगीर को अपने वश में कर लिया इसने, और मुगल प्रशासन में ये भारी हस्तक्षेप करने लगी। छात्रों दानप्रिय महिला होने के कारण ये गरीबों को, विधवाओं को, अपंगों को, अनाथों को ये भारी मात्रा में दान देती थी, तथा ये जहांगीर के समय जरोखा दर्शन की परंपरा थी, अर्थात जरोखे में से खिड़की में से जनता को दर्शन देना तथा उनको धन धान्य उनमें बांटना। तो इसी प्रकार से इसने भी क्या किया छात्रों, ये भी जरोखा दर्शन देने लगी। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये नूरजहां जुनता थी, नूरजहां जुनता ने जरोखा दर्शन देने का कार्य किया। छात्रों इसके बाद में जो नूरजहां जुनता के कारण एक कार्य और भी संपन्न हुआ, वो अच्छे प्रभाव ये निकले छात्रों कि नूरजहां जुनता गुट के कारण क्या हुआ, मुगल मेवाड़ संधि, कौन सी, मुगल मेवाड़ संधि ये गुट है छात्रों, इसके कारण क्या हुआ, मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई। और एक अन्य महत्वपूर्ण काम हुआ अहमदनगर पर विजय। छात्रों प्रारंभ में अपन देख चुके हैं कि अकबर के समय से ही जो मेवाड़ रियासत मुगलों का भारी प्रतिरोध कर रही है, तथा मेवाड़ रियासत ने अधीनता मानने से मना कर दिया है। तो छात्रों नूरजहां जो जुनता गुट है, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि मुगल मेवाड़ संधि हुई, अर्थात जहांगीर तथा मेवाड़ में संधि हुई, जहांगीर तथा मेवाड़ के शासक जहांगीर वे मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा अमर सिंह प्रथम
ये महाराणा प्रताप के क्या है, पुत्र हैं। कौन है? महाराणा अमर सिंह पुत्र, अमर सिंह पुत्र है। तो मुगल मेवाड़ संधि है, नूरजहां युद्धागुप्त का एक अच्छा प्रभाव निकला कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह प्रथम व जहांगीर के मध्य एक संधि हुई जो मुगल मेवाड़ संधि के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। तथा इस प्रकार से जो ये संधि नूरजहां युद्धागुप्त के माध्यम से ही हुई। एक जो प्रभाव अच्छा ये निकला कि अहमदनगर पर विजय, दक्षिण भारत में जो अहमदनगर साम्राज्य था और यहाँ का जो शासक था, उस शासक का सेनापति था मलिक अंबर, मलिक अंबर ये अहमदनगर का वजीर है अर्थात प्रधानमंत्री है और सेना का नेतृत्व भी करता है। तो मलिक अंबर है, मलिक अंबर लगातार मुगलों के प्रति विद्रोह कर रहा था और अहमदनगर को इसने स्वतंत्र करा लिया था। इसलिए जो जहांगीर ने दक्षिणी भारत में अहमदनगर पर जो विजय करने का निश्चय किया और ये नूरजहां युद्धागुप्त का ही प्रभाव था कि अहमदनगर पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली तथा मलिक अंबर को उसने पराजित कर दिया। इस प्रकार से छात्रों मुगल मेवाड़ संधि हुई और अहमदनगर पर विजय भी किसके कारण हुई? नूरजहां युद्धागुप्त के कारण हुई। तो छात्रों नूरजहां युद्धागुप्त के क्या प्रभाव पड़े? जहांगीर की शराब पीने व अफीम खाने की आदत कम हुई। जहांगीर का चित्रकला के प्रति ध्यान आकर्षित किया गया नूरजहां जुंता के कारण। 1615 की मुगल मेवाड़ संधि हुई नूरजहां युद्धागुप्त के कारण। अहमदनगर पर विजय प्राप्त हुई। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाड मल्लिका का विवाह, लाडली बेगम का विवाह, किसके अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से करवा दिया तथा शहजादा शहरयार को मुगल बादशाह घोषित करवाने का सोच रही थी। इसके अतिरिक्त उसने अपनी पुत्री, अपने भाई की पुत्री अर्जुनमन बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ में करवाया था। खुर्रम को भी अपने साथ में ले लिया। जहांगीर का जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव था, उस जहांगीर के क्रोध को कम करने का भी कार्य किसने किया? वो नूरजहां युद्धागुप्त ने किया। तो इस प्रकार से नूरजहां युद्धागुप्त के जो अच्छे प्रभाव निकले। तो छात्रों ये नूरजहां युद्धागुप्त के अच्छे प्रभाव थे। अब छात्रों हम नूरजहां युद्धागुप्त के बुरे जो प्रभाव हैं अर्थात उसके बुरे प्रभाव क्या पड़े मुगल राजनीति में, वो हम देखेंगे। तो नूरजहां युद्धागुप्त के प्रभावों में अब है बुरे प्रभाव या दुष्परिणाम। नूरजहां युद्धागुप्त के दुष्परिणाम नूरजहां युद्धागुप्त के दुष्परिणाम छात्रों मुगल राजनीति में नूरजहां युद्धागुप्त के दुष्परिणाम क्या निकले? कि शहजादा खुर्रम का विद्रोह, महावत खान का विद्रोह, मुगल दरबार में गुटबाजी, कंधार का क्षेत्र मुगलों के हाथ से निकलना, छात्रों नूरजहां युद्धागुप्त के सद परिणाम भी निकले तो उसके कुछ बुरे परिणाम भी निकले। जैसे शहजादा खुर्रम का विद्रोह, प्रारंभ में क्या हुआ छात्रों? आपने देखा था कि प्रारंभ में आसफ खां नूरजहां का जो भाई है आसफ खां, इसकी पुत्री है अर्जुनमन बानो बेगम जो मुमताज महल के नाम से भी प्रसिद्ध होती आगे। अर्जुनमन बानो बेगम का विवाह किससे? शहजादा खुर्रम से करवा दिया जाता है और करवाने वाला कौन है? नूरजहां है। करवाने वाली कौन है? नूरजहां है। परंतु छात्रों इसमें क्या हुआ कि
ये इसका विवाह करवा रहे हैं। विवाह करवाने के बाद भी छात्रों क्या हो रहा है कि कालांतर में जब ये शहजादा खुर्रम है नूरजहां जुंता के प्रभाव से मुक्त होना चाह रहा है तथा उससे ये दूर होने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय क्या हुआ कि इस नूरजहां ने अपनी चतुराई से अपनी पुत्री जो लाडली बेगम अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह किससे करवा दिया, शहर यार से विवाह करवा दिया। जहांगीर का एक अन्य पुत्र है इससे विवाह करवा दिया। अब ये क्या कर रही है नूरजहां कि शहर यार को जो मुगल बादशाह बनाना चाहती है, अर्थात जहांगीर के बाद में जो अगला मुगल बादशाह होगा वो कौन होगा, शहर यार होगा। इसलिए क्या हुआ कि आसफ खान तथा खुर्रम है एक तरफ हो जाते हैं और खुर्रम क्या करता है जहांगीर के प्रति विद्रोह कर देता है। दक्षिणी भारत के अभियान में खुर्रम गया हुआ है, दक्षिणी भारत में ये विद्रोह कर देता है तथा जहांगीर और कालांतर में ये जहांगीर से क्षमा भी मांग लेता है, तो जहांगीर इसे माफ कर देता है। तो शहजादा जो खुर्रम का विद्रोह होता है, शहजादा खुर्रम का विद्रोह किसके कारण होता है, नूरजहां के कारण ये होता है। नूरजहां एक अत्यंत ही जो घमंडी प्रवृत्ति की ओर क्योंकि महिला भी थी, घमंडी प्रवृत्ति के कारण तथा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के कारण ही महावत खां नाम का जो एक विश्वसनीय सेनापति होता है, विश्वसनीय सेनापति किसका है, जहांगीर का विश्वसनीय सूबेदार है, इस विश्वसनीय सूबेदार ने भी क्या है कि विद्रोह कर दिया। महावत खां को अपमानित करने का प्रयास किसने किया, नूरजहां ने, क्योंकि महावत खां था ये खुर्रम के पक्ष में था, किसके पक्ष में था, शहजादा खुर्रम के पक्ष में था, और नूरजहां ने देखा कि जो खुर्रम के पक्ष में जो भी है उनका मैं अपमान करूं, उन्हें मैं मुगल दरबार से दूर करने का प्रयास करूं। तो इसी स्थिति में क्या हुआ कि उसने महावत खां को नीचा दिखाने का प्रयास किया। महावत खां को जब नीचा दिखाया तो महावत खां ने भी क्या किया छात्रों, विद्रोह कर दिया। और महावत खां ने जब नूरजहां व जहांगीर काबुल जा रहे थे उस समय इन्हें बंदी बना दिया। कालांतर में नूरजहां की दूरदर्शिता के चलते महावत खां को पराजित होना पड़ा और ये वहां से भागकर कहां चला गया, शहजादा खुर्रम की शरण में चला गया। एक नूरजहां जुंता गुट के जो नूरजहां जुंता गुट का जो बुरा प्रभाव हुआ वो क्या था, मुगल दरबार में गुटबाजी होने लगी। अब मुगल दरबार में दो प्रकार के गुट बन गए, एक कौन सा गुट था, नूरजहां का गुट, दूसरा कौन सा था, शहजादा खुर्रम का गुट। शहजादा खुर्रम के गुट में आसफ खां था तथा शहजादा खुर्रम के गुट में अब महावत खां भी सम्मिलित हो गया था। तो महावत खां शहजादा खुर्रम तो मुगल दरबार में गुटबाजी हुई, उसमें क्या हुआ एक तरफ था खुर्रम, शहजादा खुर्रम और महावत खां और आसफ खां, और एक तरफ नूरजहां शहरयार, एक तरफ नूरजहां तथा शहरयार थे तो एक तरफ खुर्रम महावत खां तथा आसफ खां, मतलब गुटबाजी। मुगल दरबार दो भागों में बट गया जिसके कारण मुगल दरबार में क्या हुई, गुटबाजी प्रारंभ हो गई। एक इसका जो बुरा प्रभाव निकला छात्रों, वो बुरा प्रभाव क्या था, ये था कि कंधार का क्षेत्र अकबर के समय में जीता गया था। अकबर के समय में जो राजा मान सिंह ने कंधार तथा काबुल पर विजय प्राप्त की थी और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था, परंतु जहांगीर के समय नूरजहां जुंता गुट के कारण ये कंधार का क्षेत्र मुगलों के हाथ से निकल गया और वो कभी भी मुगलों के हाथ में पुनः वापस नहीं आया। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो कंधार का क्षेत्र था, ये कंधार का क्षेत्र भी मुगलों के हाथ से निकल गया। तो छात्रों इस प्रकार से जो नूरजहां जुंता गुट के बुरे प्रभाव पड़े, उसमें शहजादा खुर्रम जो जहांगीर का पुत्र है इसे शहजादा खुर्रम ने विद्रोह किया और दूसरा विद्रोह हुआ, महावत खां का विद्रोह हुआ और मुगल दरबार में दो गुट बन गए, एक खुर्रम का गुट था, दूसरा नूरजहां का गुट। इसके अतिरिक्त जो कंधार का जो क्षेत्र था वो हमेशा के लिए सदैव के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। तो इस प्रकार से छात्रों इस गुट के क्या हुए कि बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़े। तो छात्रों नूरजहां जुंता गुट ने 1611 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक मुगल राजनीति में भारी प्रभाव डाला और इसी प्रभाव के कारण क्या हुआ छात्रों, इसी प्रभाव के कारण छात्रों जो मुगल राजनीति में जो नूरजहां जुंता गुट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो छात्रों इस प्रकार से
जो नूरजहां जुंता गुट है, नूरजहां जुंता गुट का मुगल राजनीति में व्यापक प्रभाव रहा। छात्रों कालांतर में जब 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, कब होती है छात्रों? जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, कहाँ होती है? भिंबर नामक स्थान है, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। शाहदरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है छात्रों, कहाँ स्थित है? शाहदरा लाहौर में स्थित है। तो भिंबर नामक स्थान मृत्यु हो जाती है, शाहदरा जो लाहौर में स्थित है, यहाँ पर जहांगीर का मकबरा बनाया जाता है। मकबरा कहाँ पर है? मकबरा यहाँ पर इसे दफनाया जाता है, कहाँ पर? शाहदरा में मकबरा बनाया जाता है छात्रों। इसके बाद में जब इसकी मृत्यु जाती है, तब इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक है, वो शासक कौन बनता है? वो बनता है खुर्रम। कौन बनता है? खुर्रम। खुर्रम अब क्या बन रहा है? शासक बन रहा है शाहजहां के नाम से। किसके नाम से छात्रों? शाहजहां के नाम से अभी क्या बन रहा है? शासक बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों, जब शहजादा खुर्रम शासक बन जाता है, तो इसने नूरजहां जुंता गुट के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि इस गुट में शहजादा खुर्रम जो शाहजहां के नाम से शासक बना हुआ है, ये शहजादा खुर्रम भी इस गुट में रह चुका है पहले। तो इसलिए छात्रों अब क्या है, नूरजहां जुंता गुट में जो शहजादा खुर्रम है, इसने क्या किया कि इसको तोड़ने का प्रयास किया, और जो नूरजहां थी, नूरजहां को शहजादा खुर्रम ने पेंशन दे दी। पेंशन इसे दी पेंशन, नूरजहां को पेंशन देके कहाँ भेज दिया छात्रों? पेंशन देकर इसे शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए भेज दिया। और ये भी कहाँ पहुंची? ये भी जो लाहौर में रहने लगी, और इसकी मृत्यु हो गई 1645 ईस्वी में। 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई नूरजहां की। कब हुई? 1645 ईस्वी में मृत्यु किसकी हो जाती है? नूरजहां की। नूरजहां तो 1645 ईस्वी में छात्रों नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से छात्रों जो नूरजहां ने मुगल राजनीति में जो इस अपने गुट का निर्माण किया, और नूरजहां जुंता गुट का मुगल राजनीति में व्यापक प्रभाव पड़ा। तो छात्रों अकबर की मृत्यु के बाद में 1605 ईस्वी में जहांगीर मुगल बादशाह बनता है, और मुगल बादशाह बनने के बाद में वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और विस्तार करने के बाद जो वो अपने प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करता है। मुगल बादशाह जो जहांगीर हैं, मुगल बादशाह जहांगीर ने के जो तीन प्रमुख विवाह हैं, पहला जो विवाह था छात्रों वो था आमेर की राजकुमारी मानबाई से विवाह, दूसरा विवाह था वो था जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई से विवाह। मानबाई तथा जो जहांगीर अर्थात जो सलीम है, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर तथा मानबाई से जो पुत्र उत्पन्न होता है छात्रों, वो पुत्र खुसरो नाम से प्रसिद्ध होता है। खुसरो विद्रोह करता है, जिसके कारण जहांगीर उसे पकड़ लेता है, उसे अंधा करवा देता है, कालांतर में उसे मार भी देता है। खुसरो का जो सहयोग किया, जो सिखों के गुरु अर्जुन देव जी ने सहयोग किया, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को पकड़ लिया और उन्हें भी मार दिया, उनकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने अकबर के सबसे विश्वसनीय जो दरबारी था और उसके नवरत्नों में से एक था अबुल फजल, उसकी भी हत्या करवा दी। उसकी हत्या में उसने वीर सिंह बुंदेला नाम के जो बुंदेलखंड के शासक थे और इसका जहांगीर का मित्र भी था, तो उससे उसकी हत्या करवा दी। इसके अतिरिक्त छात्रों जब इसका जहांगीर तथा जो जगत गुसाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है, जो उसका नाम है खुर्रम, जो आगे इतिहास में चल के शाहजहां के नाम से शासक बनता है। इसके अलावा छात्रों 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा नाम की एक पारस की जो कन्या है,
फारस की कन्या से जो विवाह कर लेता है। अर्थात ये जो 1611 में जो विवाह हो रहा छात्रों, ये अली कुली बेग की जो पत्नी है, विधवा पत्नी है नूर जहां, उससे विवाह हो रहा है। नूर जहां अत्यंत सुंदर महिला थी और नूर जहां का जो पति था ये जहांगीर का एक विश्वसनीय सेनानायक था। और जहां एक बार अली कुली बेग ने एक शेर का वध कर दिया, एक शेर का वध करने के कारण अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफगन की उपाधि प्रदान की। कालांतर में शेर अफगन जहांगीर के प्रति विद्रोह करता है। विद्रोह के कारण क्या होता है छात्रों, विद्रोह के कारण जो जहांगीर उस विद्रोह को दबाने का प्रयास करने के लिए कुतुबुद्दीन नाम के अपने सेनापति को कहता है। कुतुबुद्दीन उस विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है। शेर अफगन धोखे से कुतुबुद्दीन की हत्या कर देता है, परंतु कुतुबुद्दीन के जो सैनिक है वो शेर अफगन को मार देते हैं। शेर अफगन जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मारता है तो कुतुबुद्दीन के जो सैनिक है वो शेर अफगन को मार देता है। और जहांगीर है जहांगीर कुतुब अली कुली बेग की जो पत्नी है उसे लेके आता है अपने दरबार में। 1611 ईस्वी में जो अली कुली बेग की पत्नी, विधवा पत्नी है मेहरुन्निसा, जिसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर, मंत्रमुग्ध हो जाता है वो, और उसकी सुंदरता को देखकर वो क्या करता है छात्रों, उससे विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद में जो उसे नूर महल, जिसे प्रसाद ज्योति भी कहा जाता है, नूर जहां जिसे जग ज्योति भी कहा जाता है, इस प्रकार की उसे उपाधि प्रदान करता है। तथा 1611 ईस्वी में जो ये महत्वाकांक्षी महिला है मेहरुन्निसा, जिसे नूर जहां भी कहा जाता है, एक गुट का निर्माण करती है जिसे भारतीय इतिहास में नूर जहां जुंता गुट के नाम से जाना जाता है। नूर जहां जुंता गुट में नूर जहां तथा उसका पिता गियास बेग, माता असमत बेगम, भाई आसफ खान तथा जहांगीर का पुत्र खुर्रम, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। तथा ये अपने गुट को प्रभावी करने के लिए अपने भाई आसफ खां की पुत्री का विवाह शहजादा खुर्रम से कर देती है। कालांतर में जो आसफ खां की पुत्री अर्जुनमंद बानो बेगम है, ये मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होती है। 1611 ईस्वी से लेकर 1622 ईस्वी तक का जो समय है छात्रों, वो नूरजा जुंता गुट का जो के को नूरजा जुंता गुट का जो समय है 1611 से 1622 का, वो नूरजा पर नियंत्रण स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि नूरजा की माता असमत बेगम तथा पिता गियास बेग जीवित होते हैं। 1622 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक का समय ऐसा है जिसमें पूरी तरह से नूरजा जहांगीर को अपने वश में कर लेती है। क्यों? क्योंकि असमत बेगम तथा गियास बेग जो नूरजा के माता पिता हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी होती है और जहांगीर भी प्राय क्या है कि बीमार रहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों ये क्या करती है, जहांगीर को अपने वश में कर लेती है तथा प्रशासन के कार्यों में, फरमानों पर तथा प्रशासनिक आदेशों पर, राजकीय जो आदेश है उन पर जहांगीर के साथ नूरजहां की मोहर भी लगती है। अर्थात नूरजहां का प्रभाव अत्यंत ही बढ़ चुका है। तथा जो जहांगीर होता है, जहांगीर नूरजहां के बारे में कहता है कि मैंने जो सारा राज कार्य है वो नूरजहां बेगम को सौंप दिया है। किसे सौंप दिया है? नूरजहां बेगम को सौंप दिया है। तो जहांगीर कहता है कि एक शेर शराब व आधा शेर कबाब के बदले मैंने हिंदुस्तान का राज्य नूरजहां बेगम को दे दिया। जहांगीर क्या कह रहा है छात्रों कि एक शेर शराब तथा आधा शेर कबाब के बदले हिंदुस्तान का राज्य मैंने नूरजहां बेगम को दे दिया। इसके अतिरिक्त छात्रों नूरजहां के प्रभाव में आकर जहांगीर कहने लगा, मैंने हिंदुस्तान की बादशाह
बादशाह नूरजहां बेगम को दे दी। नूरजहां बेगम को दे दी। जहांगीर क्या कह रहा छात्रों कि एक शेर शराब गए आधा शेर कबाब के बदले मैंने हिंदुस्तान का राज्य नूरजहां को दे दिया। और जहांगीर क्या कहता है छात्रों, ये भी कह रहा है मैंने हिंदुस्तान की बादशाह नूरजहां बेगम को दे दी। अर्थात नूरजहां बेगम ने 1611 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जो कि नूरजहां झुंटा गुट का समय है, इस नूरजहां झुंटा गुट के समय में जहांगीर को पूरी तरह अपने वश में कर लिया और प्रशासन का सारा काम वो करने लगे। जब 1627 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु होती है उसके बाद में इस गुट का जो प्रभाव कम होता है और जो खुर्रम शाहजहां के नाम से 1627 ईस्वी में भारत के मुगल बादशाह बनते हैं, इन्होंने नूरजहां गुट को समाप्त करने का कार्य किया। अर्थात नूरजहां झुंटा गुट को का प्रभाव कम करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से छात्रों मुगल राजनीति में 1611 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक का समय है वो नूरजहां झुंटा गुट के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये नूरजहां थी, नूरजहां ने जहांगीर के समय मुगल राजनीति को प्रभावित किया। तो छात्रों आज का जो हमारा प्रश्न है नूरजहां झुंटा गुट मुगल राजनीति में नूरजहां झुंटा गुट के क्या क्या प्रभाव निकले, क्या क्या प्रभाव पड़े, तो इसका आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।